हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गजरा ड्रेस डिज़ाइन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश प्लाजो की डिज़ाइन, और साथ में एक डिज़ाइनर दुपट्टे भी आपको डिज़ाइन करना बताएंगे। ये जो आप टॉप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में बनाया था हम इसी के लिए प्लाजो और दुपट्टा डिज़ाइन करने वाले हैं कि कटिंग। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो मटेरियल है, ये कपड़ा है 2.5 मीटर कपड़ा है। देखिए, इसको हम बनाएंगे बेल्ट वाला पजामा कटिंग करेंगे। हमारे पजामे की जो लंबाई लेंथ रहेगी वो 39 इंच रहेगी। तो सबसे पहले आप बेल्ट की कटिंग करेंगे इस तरह से 9 इंच, जिस तरह से हम सलवार में कटिंग करते हैं, एज इट इज़ सलवार जैसी ही इसकी कटिंग रहेगी, लेकिन ये फिर भी प्लाजो ही रहेगा इस तरह से। और इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है, 4 फोल्ड पर रखी है फ्रेंड्स, 4 फोल्ड पे हमने कपड़ा रखा हुआ है। इसकी चौड़ाई हमने कैसे मेजर की है, ये लिया है हमने लगभग 16.5 से 17 इंच। देखिए फ्रेंड्स, 16.5 से 17 इंच लिया है। ये कैसे लिया है हमने, हमारी सीट का हमने थर्ड पार्ट किया है, यानी कि सीट आपकी 38 है तो उसका आपने थर्ड पार्ट किया तो 12.5 आया, और उसके अंदर आपने 5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर दिया। ये एकदम लूज और कम्फर्टेबल रहेगा। अगर आप बिना मेजरमेंट के भी सिलें तो 38 जिसकी सीट है, 36, 38 और 40 तक के लोगों को ये आराम से फिट आएगा, बराबर आएगा। और 40 से ऊपर 40, 42, 44, 45 तक अगर आप सिलना चाहते तो इसमें आप यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, और ये एकदम फिटिंग में नहीं आएगा ये, आप आसानी से इसको कंफर्टेबल रहेगा आपको, ये लूज़ ही रहेगा। बस आपने इतना ले लेना है। इसके बाद यहाँ से जहाँ से हमने बेल्ट को कट किया है वहीं से आपको नीचे आसन के लिए लेना है 9.5 इंच, इस तरह से 9.5 इंच आपने ले लेना है, और यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमने ले लिया था 9 इंच, और बचा हुआ हमको नीचे का पार्ट लेना है 32 इंच, क्योंकि हमने 9 इंच जो लिया है, 6 इंच हमारा बेल्ट बन के जाएगा, यहाँ से 2 इंच हमारा इलास्टिक लगेगा, तो ये 9 इंच हमारा 6 इंच ही बचेगा। और हमारी जो लेंथ है 39 है, तो उसमें से हमने 6 इंच माइनस किया तो 32 बचता है। तो ये हमने पूरा जो लिया है 32 लिया है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने जो लेंथ इसकी चौड़ाई लगाया हुआ है, या आप अपने हिसाब से कितनी भी ले सकते, क्योंकि हमारा कपड़ा तो यहाँ तक है, लेकिन हमको ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा घेर वाला प्लाजो नहीं चाहिए, वो कम्फर्ट नहीं रहेगा हमारे टॉप के हिसाब से। तो इसके लिए हमने ये लिया है 11.5 इंच, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको ऊपर तक सिलाई भी करें या कटिंग करें तो 10 इंच तक आपको एक जैसी ही इसकी चौड़ाई रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 इंच, बिल्कुल 10 इंच यहाँ पर हमने, तो ये इसकी जो चौड़ाई है 10 इंच तक आपको एक जैसी रखनी है, कटिंग में भी और सिलाई भी जब आप करोगे, कहीं से भी सिलाई करोगे तो एक जैसी। आपको ऐसा नहीं कि आप यहाँ से सिलाई करते करते आप इसको बाहर की तरफ ले जाएं, तभी वो पजामे का शेप इसमें, प्लाजो का शेप आ पाएगा इस तरह से। और इस तरह से आप इसको बस 10 इंच तक आपने एज इट इज़ रखा, इसको एक जैसा रख लिया, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर मिला लेना। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि आप ये अगर गोलाई ना देते हुए सलवार में किस तरह से आप मिलाते हो इसको नीचे बिल्कुल इस तरह से, तो आप इसको ऐसे भी मिला सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये और ज़्यादा लूज हो जाएगा और कंफर्ट हो जाएगा, लेकिन हल्का सा आपने इसमें शेप दे दिया है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पजामे की कटिंग होने के बाद हमारे पास इतना कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इस जितना भी कपड़ा बच रहा है उतने कपड़े में हम इसकी लेयर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा लगभग 23 इंच का कपड़ा बच रहा है, तो इसके हम 2 पार्ट निकाल लेंगे। एक लेयर जो है हमारी एक पांचे के लिए, दूसरी लेयर दूसरे पांचे के लिए, तो 11.5 इंच की हमारी जो है एक लेयर तैयार हो जाएगी। अगर आपका ये कपड़ा ज़्यादा बचता है तो आप इस लेयर की लंबाई और भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम बॉक्स प्लेट वाला बनाएंगे, इसके लिए इसमें हमको कपड़ा जो है ज़्यादा चाहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमको कपड़ा चाहिएगा, ये हमारा पजामा, और इस तरह से जो बचा हुआ कपड़ा, अब उसको सीधी लंबी हम मार्क को करके हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वाली जो है हम पूरी की पूरी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम पूरा कटिंग करके ले देखिए फ्रेंड्स, ये पजामा कट करने के बाद ऊपर का जो बेल्ट था, बेल्ट की लंबाई तो हमने
चौड़ाई तो हमने ली थी 9 इंच बेल्ट की, लेकिन हम चौड़ाई किस तरह लंबाई किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से डबल फॉल पे था कपड़ा हमारा, तो हम बेल्ट की चौड़ाई ले लेंगे हमारे हिसाब से 22 या 23 इंच आपको परफेक्ट रहेगी। तो इस तरह से हमने बेल्ट की जो चौड़ाई ले ली फ्रेंड्स, ये 22 इंच, इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे, कपड़ा एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम एक रुमाली भी अटैच करेंगे कम्फर्ट के लिए, और ये हमने पीस भी कट कर ली इस तरह से। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम बेल्ट रेडी कर लेते हैं और यहाँ पर लास्टिक लगा लेते हैं। लास्टिक लगाने का तरीका हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया हुआ है, हम उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और हम ये रुमाली भी अटैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बेल्ट रेडी कर लिया है इस तरह से लास्टिक लगा के। अगर आप लास्टिक नहीं लगाना चाहें तो यहाँ पर आप नाड़ी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन लास्टिक लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो थोड़ी भी फैटी लेडी होती है या गर्ल होती है, लास्टिक की वजह से उसका पैर जो है फ्लैट दिखाई देता है। और नाड़ी वगैरह पजामे में आप लगाते हैं तो उससे आपका पैर थोड़ा सा और उभरा हुआ दिखाई देता है। देखिए फ्रेंड्स, पजामे के पल्ले को हम इस तरह से फैलाएंगे और सीधे पल्ले के ऊपर ही हम इस तरह से रुमाली एक इस पल्ले की तरफ रख देंगे और एक हम रख देंगे इस तरफ से सिल देंगे इस तरह से। ठीक है, ये पूरा एक पल्ला सिलने के बाद इसके ऊपर हम दूसरा पल्ला रख देते हैं और उसको पूरा कंप्लीट सिल लेते हैं। देखिए इस पल्ले को हम ऊंधा रखेंगे, ये सीधे पल्ले के ऊपर हम इस तरह से ऊंधा पल्ला रख कर कहाँ तक सिल देंगे, ये इसमें भी रुमाली इस तरह से हम अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलते हुए हम यहाँ से बस यहीं तक सिलेंगे, इधर से भी यहीं तक सिलेंगे और उधर की तरफ से भी हम इसको यहीं तक सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने इसको सिल लिया। ये एक सिंपल सलवार की तरह ही हम बना रहे हैं, लेकिन बहुत कंफर्टेबल रहता है और ये प्लाजो सिलने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से इसको सिलने के बाद देखिए हमने इसका सेंटर निकाल लिया इस तरह से। देखिए यहाँ से हमने इसका सेंटर लगा निकाल के यहाँ मार्क कर लिया और इधर भी हम इसका सेंटर निकाल के मार्क कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और इसका भी हम बेल्ट का भी सेंटर निकाल लेंगे। बेल्ट का सेंटर यहाँ पर निकला हुआ है, ये हमने सिलाई किया था, लेकिन ये जो साइड का सेंटर है इस तरह से, ये भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं और इस तरह से हम यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं। अब जैसे हम सलवार में प्लेट देते हैं वैसे ही इसमें देना है, लेकिन बहुत कम प्लेट आएंगे और इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि जितने प्लेट आगे आ रहे उतने ही प्लेट इसमें पीछे की तरफ भी आए। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर से इसको प्लेट देते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बेल्ट के ऊपर, सीधे बेल्ट के ऊपर हमने सीधे सीधे प्लाजो के कपड़े को रखा और इस तरह से हम इसकी अपोजिट साइड, इस तरफ जिस तरफ हमने रुमाली लगाया हुआ उस तरफ नहीं, उसकी अपोजिट साइड हम बेल्ट देंगे, इस प्लेट देंगे इस तरह से। लेकिन बहुत प्लेट नहीं आएंगे इसके अंदर, इस तरह से हम प्लेट देंगे। और हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सेंटर का मार्क है ये मिल जाए तकरीबन दो। देखिए ये मिल रहा है और तकरीबन 2 से 3 प्लेट ही इधर आ रहे हैं, तो एज इट इज़ 2 से 3 प्लेट पीछे की तरफ भी आएंगे और इसको हम इस तरह से पूरा सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको सिलने के बाद आपने नीचे के लिए लेयर के लिए जो कपड़ा कट किया था उस कपड़े से हमको बॉक्स प्लेट बनाना है, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे ये देखिए। आपको मशीन पे इस तरह से कपड़े को रखना है और बॉक्स प्लेट इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, बिल्कुल आपको ध्यान से ये ऊपर से नीचे की तरफ एक लेवल में ही कपड़ा आना चाहिए इस तरह से। देखिए ये इसके पास भी इस तरह से, जितना आपने इधर फोल्ड किया है उतना इधर भी आपको बराबर इक्वल फोल्ड करना है और यहाँ पर आपको गैप नहीं रखना है। अगर आपने यहाँ पर इस तरह से गैप रख दिया तो ये प्लेट आपकी खुली रह जाएगी। तो इस तरह से इसके नज़दीक ही लेना है, इतना ही कपड़ा आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ अंदर से भी आपको दूर नहीं रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर की तरफ से भी ये देखिए आप इस तरह से, देखिए ये जो प्लेट है इसके जस्ट पास में ये प्लेट आनी चाहिए। अब दोबारा ये प्लेट हमारी इसके पास ही आनी चाहिए इस तरह से। इस तरह से आप पूरे प्लेट इसको कंप्लीट करते जाएंगे मशीन चला के। थोड़ा सा लेयर के लिए ही इसकी लंबाई लगभग 40 इंच थी, जितना बचा था उतना ही हमने ले लिया। इसके अंदर हमको
कि कितने फ्लेयर्स लेने हैं, उतने फ्लेयर की जितना हमारे प्लाजो का जो बॉटम है ये कवर हो जाए। तो ये हमारा 11.5 इंच का बॉटम है, तो हमको प्लेट के हिसाब से इतना लेना है, तो इतने कपड़े में ये आसानी से कवर हो जाएगा। ये हमने प्लेट बना कर रखी है, देखिए फ्रेंड्स से इस तरह से ये हमारे प्लेट कंप्लीट हो जाएंगे, देखिए। और इनको प्लेट को फिर आप प्रेस कर लीजिए, अच्छे पजामे के बॉटम में जाना है, सभी जगह आपको 11 इंच पे मार्क कर देना है। ठीक है, ये मार्क करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो कपड़ा है इस तरह से रख कर इसको एक सिलाई मार लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेट हमने इसके ऊपर अटैच कर लिया। अब इसके ऊपर हमको लगाना है इस तरह से ये गोटा, क्योंकि हमने टॉप में भी ऐसे लगाया हुआ है, इसके लिए हम यहाँ भी यही पैटर्न लगाएंगे। और फिर यहाँ से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, सिल लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लाजो हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए इसका बॉटम, ये हमने यहाँ नीचे की तरफ भी लेस लगाया है और यहाँ भी लगा लेस। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पहनने पर ये बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पैटर्न। अब हम इसका दुपट्टा भी रेडी कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने शिफॉन का दुपट्टा लिया है और इसके ऊपर हम पिंक कलर से फ्लावर बनाने वाले हैं। पिंक कलर से इसलिए, देखिए ये हमारा ड्रेस था, ये भी हमने पिछली वीडियो में बनाया था, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप ज़रूर देखिए। सिल्वर काम किया हुआ है, इसके लिए हमने इसमें सिल्वर लेस लगाया हुआ है और पिंक कलर का हम इसमें नेट यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ये जो है बॉटम में देखिए, हमने इस तरह से नेट का पैटर्न डाला हुआ है, थोड़ा है, इसकी जो लेंथ है वो है 11 इंच, इस तरह से हमने ये नेट कट किया हुआ है। और लंबाई में आप कपड़े का जितना भी पन्ना है आपकी नेट का, उसको आप डबल करके ले सकते। देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर बनाने के लिए ये हमने पिंक कलर की नेट लिया हुआ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 12 इंच है, लंबाई भी और इस तरह से चौड़ाई भी इसकी 12 इंच है, इस तरह से। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो किनारी आती है इसको आप कट करके निकाल लीजिए, क्योंकि ये फिनिशिंग नहीं आती इसकी वजह से। तो ये हमने इस तरह से अलग अलग पीस कट किए हुए हैं इस तरह से। अब आप इसको इस तरह से फोल्ड करिए, देखिए फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से रखिए, ये स्क्वायर पीस कट किए हुए हमने, इस तरह से आप इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया एक बार, और अगेन इसको आप इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और फिर इसको हम सुई धागे से सिलते। देखिए इसको सुई धागे सिलेंगे, हमने सिंगल धागा डाला हुआ है सुई में इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखिए आप इसको इस तरह से सिल लीजिए। इसको इस तरह से सिलने के बाद आप इसको इस तरह से धागे को खींच लीजिए ताकि इसमें चुन आ जाए, ये देखिए इस तरह से। इसको बस आपको बराबर शेप देना है और यहीं से इसको आपको पूरा नहीं खींचना है, बस इस इतने चुन आ जाए इस हिसाब से आप देख लीजिए और आप इसको नॉट लगा दीजिए ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से आप सभी तैयार कर लीजिए अलग अलग इस तरह से। देखिए बहुत सारे बन गए हैं और इनके जो कॉर्नर निकल रहे हैं एक्स्ट्रा वाले, इनको आप इस तरह से कट कर लीजिए ध्यान से बिल्कुल सभी के। अब आप इन सबको एक साथ मिला लीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, इसको यहाँ से आप ले लीजिए। इस तरह से आप सारे पेटल्स को इस धागे में, सुई धागे में डाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सारे आपने एक ही धागे में लगाने के बाद आपको इस तरह से इसको अटैच कर देना, एक लीव को दूसरे लीव के ऊपर, या अब आपको दुपट्टे को सेंटर निकालना है, जहाँ भी सेंटर रहेगा वहाँ पर आपको इसको मार्क कर देना है इस तरह से। देखिए फिर ये इसका हमने सेंटर निकाल लिया, अब जहाँ भी सेंटर है वहाँ पर आपको फ्लावर को रखना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप जैसे ही सुधागे की मदद से
अटैच करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ऊपर की तरफ ना दिखे। कम से कम आपको जैसे कि ये जो प्लेट्स दिख रहे इसके अंदर अंदर आपको सिलाई लगाते जाना है ताकि सिलाई ना दिखे। जैसे कि यहाँ से आपको अंदर की तरफ से स्टार्ट करना है और हमको बार बार इस दुपट्टे को टर्न भी नहीं करना है, नहीं देगा। सबसे पहले आप इसको पूरे को अटैच कर लीजिए। यहाँ से आप सिलाई कैसे भी लगाएंगे तो चलेगा क्योंकि ये शो नहीं होगी। सबसे पहले अटैच कर लीजिए, फिर यहाँ पर आपको बस इस तरह से सिलाई लगाते जाना है कि हमारे टाके दूर दूर पे, एक टाका यहाँ लगाए, फिर हल्का सा ये प्लेट के नीचे लगाए, फिर यहाँ लगाए ताकि ये शो नहीं हो। इस तरह से हम पूरे इसको अटैच कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले आप इसको इस तरह से फ्लोर पर इसको बिछा लीजिए और बराबर से इक्वल जैसे ये सिलाई लगी है बस इसके हिसाब से आप इसको इस तरह से अटैच करते जाएं पूरा सर्कल में नज़दीक नज़दीक ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। इसके बाद हम प्लेट पे टाके लगाएंगे इस तरह से, देखिए फ्रेंड ऐसा, ताकि पूरा हमारा अटैच हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छे से अच्छी तरह अटैच कर लिया और बीच में फिल करने के लिए हमने ये वाली पट्टी ली है। ये 3 इंच चौड़ी पट्टी है, इसको हमने डबल में लिया है और इसकी लंबाई हमने कपड़े की जितना भी पना था, जितनी भी लंबाई थी हमारे पने कपड़े की उसको पूरा ले लिया। लगभग 50 इंच चौड़ी एक पट्टी है, ये लंबी एक 50 इंच लंबी एक पट्टी है, तो ये हमने डबल पट्टी लेकर इसको ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद इसको इस तरह से बड़ी सिलाई किया हुआ है हमने इसको गेजिंग के लिए। हम सभी वीडियो में बताते हैं और यहाँ दुपट्टे में के लिए भी हमने नेट को पहले गेजिंग किया था। गेजिंग करके हमने इस तरह से धागे को खींच लिया। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने धागे को खींच लिया और ये जो किनोर आ रही है इसको आप कट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। इस तरह से आप इसको खींच के पूरा फ्रिल कर लेंगे पूरे कपड़े को। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने गेजिंग करके इस तरह रेडी कर लिया। अब इसको आप इस तरह से रखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, इसको आप बाहर की तरफ से रखेंगे और बिल्कुल इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। पूरा इसको इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद आप इसको अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको रख देंगे ताकि सिलाई ना दिखे। देखिए आसपास की सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तरह से आप इसको अच्छे से रख कर इस तरह से रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रख के आप हम इसको इस तरह से टाके मार देंगे, सिलाई कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने जो नेट यूज़ किया वो एकदम सॉफ्ट वाला नहीं है, हमने इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा कड़क नेट यूज़ किया जिसका फ्लावर अच्छा बनता है। अगर बहुत सॉफ्ट नेट यूज़ करेंगे आप तो इसका फ्लावर अच्छा नहीं बनेगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसको देखिए, इसको हम किस तरह से अटैच करेंगे, हमने यहाँ से देखिए नीचे से हमने बिल्कुल इस तरह से हमने सुई को निकाला हुआ है, देखिए भाई, ताकि हमारा जो है सिलाई बिल्कुल भी नज़र ना आए। इस तरह से आप इसको अब अटैच करते जाएंगे बिल्कुल ध्यान से कि हमारी सिलाई नज़र ना आए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए इस तरह से आप सिलाई इसको करते जाएंगे। हम यहाँ पर बटन लगाने वाले हैं, बटन की वीडियो भी हमने ऑलरेडी बना रखी, काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइन के बटन, उसका भी लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिए। इस तरह से हम इसको पूरा अटैच कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका प्लाजो और ये इसका दुपट्टा, देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका दुपट्टा बिल्कुल रेडी है, देखिए, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए इस तरह से इसका फ्लावर है, ये इसकी फ्रिल है, हमने दोनों तरफ जो है फ्लावर लगाया हुआ है इस तरह से। और ये इसका बॉटम, ये भी देखिए आप, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये कंप्लीट पूरा डिज़ाइनर ड्रेस लग रहा है। हमारी इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उन सभी तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।